माशाल्लाह, मेरी ख्वाहिश ऐसे पूरी हो जाएगी, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कोशिश कभी राय का नहीं जाती। हाँ, तुमने कोशिश की थी? हेलो, ये घूंघट उठाने का तो मौका नहीं दिया तुमने मुझे। आपके एहतराम में और अदब में खड़ी थी। राम अदब आपके, जिसे अल्लाह ने इज्जत का दर्जा दिया, क्यों ना उसका एहतराम भी करूं। और रही बात घूंघट की, तो ये लीजिए, हो गया। माशाल्लाह, शाहिना, शादी से पहले जब मैं तुमसे बातचीत करता था तो तुम्हारे लहजे में बड़ी सख्ती थी, क्यों? मेरा अंदाज ही ऐसा। अच्छा, अब तो ऐसा नहीं लगता। बाकी लगता है कि वो वाली शाहिना कोई और थी और ये वाली शाहिना कोई और। हाँ, तो फर्क है ना, वो शाहिना सजावल थी और ये शाहिना मकसूद है। तो फिर शाहीना मकसूद साहिबा, ये बताइए कि शाहीना सजावल अपने दिल का हाल पता क्यों नहीं लगने देती थी? वाकई? तो फिर किस हिम्मत से आपने खाला जान को अब्बा जी के पास भेज दिया था? अरे यार, वो तो अम्मा की ख्वाहिश थी। आपकी नहीं थी क्या? क्या सुनना चाहती हूँ? वही जो हर बीवी अपने शौहर से सुनना चाहती है, इजहार। हेलो, सारी जिंदगी पड़ी है इजहार करने के लिए, होता रहेगा। नहीं, कुछ बातों का अभी वाजे हो जाना बेहतर। अब आप कहिए कि ये शादी आपके पसंद की थी। अरे यार, ये शादी सिर्फ मेरी पसंद की नहीं थी, मेरी मोहब्बत की थी और मेरी दुआओं का नतीजा है। खुश? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। दोस्तों यारों में पता ही नहीं चला, जब दोस्तों यारों में होता हूँ तो थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है। देर सवेर, रात के 12:30 बज रहे हैं। 12:30? अच्छा, वैसे ऑफिस की बात है, मैं जब दोस्तों से मिलने जाता हूँ ना तो फिर सुबह ही वापस आता हूँ शाही। क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं? अब भी आप रात भर बाहर रहेंगे, मुझसे शादी करने के बाद भी? नहीं, वो तो क्योंकि बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई थी तो बातों बातों में ना वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। और आपको इतना एहसास था कि मैं यहां पर क्या कर रही होंगी अकेली? मेरे जहन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे होंगे। मसला? छोड़े, रहने दे, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। अच्छा चलो, छोड़ो ना, इस तरह मुझसे मुंह तो मत फेरो ना। हेलो। अच्छा भाई, क्या करना पड़ेगा माफी के लिए? अब आप बताए बगैर घर से बिल्कुल नहीं जाएंगे और इतनी देर तक तो बाहर बिल्कुल नहीं रहेंगे। अरे मैंने कहा ना तुमसे शाहिना कि वो बड़े दिनों के बाद दोस्तों से मुलाकात हुई थी। अब मैं ही आपकी दोस्त हूं, मैं ही आपकी सहेली और आपकी बीवी। बाकी की दुनिया को ना अब आप भूल जाएं। इतनी बड़ी ऑफर, सोचना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, आई एम सॉरी, अब नहीं होगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस? मैं चेंज करके आऊंगा। मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है। अरे वाह, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अपनी खुशी से बनाइए। लेकिन फिर भी
बहस ही करते रहेंगे या खाकर बताएंगे भी कि कैसी बनी है? नहीं, पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। कौन से से? जब मैं और अम्मा आए थे तुम्हारी तरफ, तुम्हारे घर, तो तुम घर पे ही थी और तुमने ये कहलवा दिया कि तुम घर पे नहीं हो। क्यों? जबकि जब हम जा रहे थे वापस, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है तुम खिड़की से देख रही थी छुप के। आपको पता लग गया था? जी जनाब। हेलो भाई, अगर देखना ही था तो सामने आ जाती, छुपने की क्या जरूरत थी? मिलना नहीं था ना इसलिए। तो फिर? सिर्फ देखना था। क्या? यही कि जो फैसला मैं कर रही थी क्या वो गलत तो नहीं था, और देख रही थी कि जिस शख्स को मैंने पसंद किया है उसमें वो बात है जो जो अरे जुमला तो मुकम्मल करो। बच्चे नहीं हैं आप जो अधूरे जुमलों का मतलब ना समझ पाए। अरे इतने अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे, उनको दिल में छुपा के रखने की क्या जरूरत है? कहे क्यों नहीं? हर बात का एक वक्त होता है। और कितनी बातें हैं जो दिल में छुपा के रखी? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तो बहुत बेहतर। और ये मकसूद का? वो कपड़े बदल कर आ रहे। देखो बेटा, वैसे तो तुम मेरी भांजी हो लेकिन अब मेरी तुम बहू हो। मकसूद की तरह तुम मुझे अम्मा कहा करो। ठीक है खाला। ओ, मेरा मतलब है अम्मा। आ मेरे गले लग। अरे वाह जी वाह, बड़ा प्यार हो रहा है अम्मा। हेलो। जो भी हो रहा है इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं। कैसे मेरा हिस्सा नहीं होगा, मेरी अम्मा क्यों अम्मा? हाँ भाई क्यों नहीं, मेरा बच्चा। अब ये बता, मेरा शहजादे की सवारी कहाँ जा रही है? बस अम्मा एक दो काम थे, मैंने कहा कि सुबह सुबह ही करा। अम्मा क्या हुआ? क्या हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर लाखों रुपए लग जाए हमें परवाह नहीं है, लेकिन हमारी बहू की जान बच जाए। डॉक्टर कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं खतरे की तो कोई बात नहीं है, अब तो रोजाना ऐसे ऑपरेशन होते हैं। बस ये कि पेशेंट जो है यंग है और हमें उनकी यूट्रस रिमूव करनी पड़ेगी, जो बड़े दुख की बात है। यूट्रस रिमूव करनी पड़ेगी? मकसूद साहब ये साइन कर दें ताकि हम अपना प्रोसेस शुरू कर सकें। अभी आपने क्या कहा है डॉक्टर? जी बीबी मैंने यही कहा। इस ऑपरेशन के बाद तो वो कभी माँ नहीं बन सकेगी। आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं, इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट माँ बनने की सलाहियत खो देंगे। ये क्या कह रही हो डॉक्टर? मैंने कहा आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। साइन नहीं करना मकसूद। इसमें हैरत की क्या बात है, फाइल में सब कुछ लिखा है। जल्दी में था ना, नहीं पढ़ सका। कमाल, पेशेंट आपकी वाइफ है ना, आपको तो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रहने दो डॉक्टर, हमने नहीं कराना कोई ऑपरेशन। ऑपरेशन? अरे दर्द है, दवाई लो और घर चलो बस। खाला शाइना की जिंदगी का सवाल है, वो मर जाएगी। मकसूद सोच क्या रहे हो, साइन करो ना। मैंने कहा ना नहीं कराना साइन। अगर बहू माँ नहीं बन सकती तो मैंने क्या बहू को शोकेस में सजाना? मैंने तो अपने अल्लाह से अपने मकसूद से सात बेटे मांगे हैं बस। मकसूद क्या सोच रहे हो, तुम्हारी बीवी की जिंदगी का मामला है। अरे यहाँ हमारी नस्ल का मामला है,
मैं लानत भेजता हूँ ऐसी नस्ल पे जिसकी शर्त मेरी बेटी की जिंदगी हो। डॉक्टर, मैं अपनी बेटी की जिंदगी का मुख्तार हूं, बताइए कहां साइन करने। डॉक्टर, सब ठीक है और आपकी बच्ची खतरे से बाहर है। क्या ठीक है, है? जवान बच्ची को माँ बनने से महरूम कर दिया और कह रही है सब ठीक है। पेशेंट की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। और बच्चे जरूरी नहीं थे क्या? डॉक्टर, मैं कब उससे मिल सकता हूँ? देखिए, अभी हम थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे तो आप मुलाकात कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। पता नहीं ये वक्त इतना आहिस्ता क्यों गुजर रहा है। तुम कुछ नहीं कहोगे मकसूद? क्या कहेगा ये, है? अब इसके पास कहने को क्या रह गया? देखो मुमताज, खुदा के वास्ते मेरी बेटी के सामने ऐसी बातें मत करना। अगर तुम को खैर का कलमा मुंह से नहीं निकाल सकती तो कम से कम अपना मुंह बंद ही रखो। हाँ, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, हमारे पे कयामत टूट पड़ी, हम वावेला भी ना करें, हैं? ये मातम घर जाके मना लेना खाला, ये हॉस्पिटल है। अरे हमें शौक नहीं है यहाँ रहने का, हम जा रहे हैं घर। चल मकसूद, मुझे छोड़ के चल। अरे चल ना। मुझे पहले ही पता था तू कमबख्त है ही जोरू का गुलाम, मेरा किस्मत नहीं है लिखा। Oh.